गुड मॉर्निंग ब्रो भाई, सीधा सुबह आँख खुली। तेरा याद है कुछ रात रूत में बीच का? जब तू लोग कर रहा था, अच्छा फोन लग रहा था, वो याद है मुझे थोड़ा सा। फिर तो सीधा सुबह ही मेरे तो 9-10 बजे जब तूने तो फोन बता, मेरी तभी आँख खुली। मैं तो 6 बजे उठ गया था, बीच में दोबारा सोया, फिर यूएफसी देखा। अच्छा सुबह मैच भी देखा, कैसी नींद आई भाई गाइस? ये तो सो रहा था जब मैंने गेट खोला, जब 2-3 गेट खोला तो पता भी नहीं चला। तो आज जो फ्लैट वाली दिक्कत है वो आज भी कंटिन्यू है, कहना कंटिन्यू ही रहेगी, क्योंकि साले क्राइटेरिया इतने बन गए कि उसे कोई सा फ्लैट फुलफिल कर ही नहीं पा रहा। मुझे लगा कंस्ट्रक्शन ही चलवाना पड़ेगा, उसमें भी दिक्कत रहेगी, खुद बनवा के भी दिक्कत रहेगी कुछ ना कुछ। यार ऐसे तो नहीं था, कहाँ है वो आदमी जिसने हमारे लिए फ्लैट बनाया हुआ है? क्या कोई ऐसा आदमी? मुझे लगता नहीं ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई फ्लैट भी नहीं है। ये दुनिया भी रियल है या नहीं जहाँ रह रहे? मतलब जैसा फ्लैट हमें चाहिए ना, ऐसा तो मुझे ऑनलाइन भी कहीं फोटो देखने को नहीं मिल रहे, तो डील तो कहाँ क्रैक होगी कोई। लेकिन कोई नहीं यार, ऐसा चाहिए मुझे रूबिक्स क्यूब है ना, घुमा के दूसरे रूम में पहुंच गए, घुमा के दूसरे में डाल दूंगा तेरे। तो ये वही वाली कॉमेडी होगी, अड़ा देंगे। मैं भाई सभी को कहना चाहूंगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, इसने ऐसे ही डाल। बालियान को पकड़ लिया कल बाद में लोगों ने, इसे कह रहे भाई बहुत बढ़िया यूपीएससी की तैयारी चल रही है। भाई यूपीएससी का पेपर कैसा हुआ? यूपीएससी में तो यू की भी तैयारी नहीं चल रही हुई, पीएससी तो बहुत दूर की बात है। और कल का हमने इतना खाना बचा रखा कि आज तो वैसे भी खाने की जरूरत नहीं है, आज तो गर्म करते रहो और खाते रहो बस, इतना खाना। कल का तो हमने जो मंगाया था नॉन वेज, पूरा पैक का पैक है, उसकी तो टेप भी नहीं हटी। मगर तोड़ लो आज व्रत सा, इसी दिन मजबूरी में तोड़ेंगे जब खाने को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, जिस दिन अमेरिका के डोंकी लगा रहे होंगे वहाँ पनामा के जंगल में, तो सीधा कैनिबलिज्म ही करेंगे। मैं तो देख तेरा भाई तो मुर्गो तक ही है बस सीमित, अभी भी मुर्गो की मौत से आगे नहीं निकले हम। अच्छा कैनिबलिज्म कर लगा क्या हुआ? मतलब इंसान को ही खाना? हाँ मतलब कोई अगर सर्वाइवल के लिए करना पड़ा तो कर लूंगा, बस मेरा दोस्त ही होना चाहिए कोई, वरना रोते हुए खाना पड़ेगा फिर मुझे थोड़ा इमोशनल होकर खाना पड़ेगा। तो अभी इस जिले के दो नूरानी चेहरे जो हैं वे दीदी के यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों में उन्हें कह रहा हूँ, मैंने कहा आ रहा हूँ, आज तो हदी हो गया। और आज भी कुछ और प्लान बन गया था, तो फिर मैंने विकांशु कहा, मैंने कहा भाई वीडियो कल लिखते हैं, एक दिन और लेट से ही वीडियो वैसे आ जाएगी, पर मेन चैनल की वीडियो जब ये वीडियो लाइव होगी उस अगले दिन आ जाएगी, मतलब परसों। आज से तो मैं परसों बता रहा हूँ, लेकिन जब ये वीडियो लाइव होगी उस अगले दिन आ जाएगी, वैसे तो कल आनी थी, पर यार ठीक है फैमिली टाइम जरूरी है। अब मैं तो जब से वो हुई है भांजी में उसे खिलाने भी नहीं गया, नाम वाम कुछ रखा नहीं, अब मैं क्या कॉल करूं, हम तो बाबू ही बोल रहे हैं। मैंने ठीक है अभी नाम नहीं रखा ना यार, बच्चे के नाम में वे हो ना पूरे सबके अपने अपने कोलिजन्स, कोई वो बता रहा है कोई ये रख दो, को नहीं हमारे यहाँ तो ये है, कोई बता रहा फिर कि ये रख दो कि नहीं ये तो बहुत पुराना हो जाएगा, कोई बता रहा ये कि ये बहुत नया हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अच्छे से नाम मिल जाता है तो बहुत बड़ा नाम है, भूलेगा कैसे। एंड में बच्चे के पापा जो एडमिशन कराते हुए रखते हैं हमारे जाकर टक टक टक, वो हो जाएगा उसका नाम, बाकी तो निक नेम तो यूं ही पड़ा है जबरदस्ती कुछ ना कुछ, बस सब अपने अपने रख रहे हैं। नहीं तो नहीं, मेरी जो चाचा जी की लड़की है उसका स्कूल का नाम कुछ और है, वो घर बोलता ही नहीं किसी को। सेम यही रहे, सेम यही रहे, बहुत से लोगों का रहे जिनका घर का नाम बसंत है, मम्मा का लड़का, उसे छुटका छुटका कहते सब, वो इतना छुटका हो गया था कि बसंत उसका नाम ही नहीं पता था किसी को, तो अब हमने कहना शुरू करा उसे बसंत। मगर इसका ब्याह होगा घर वाले भी छुटका ही कहेगी क्या, मगर अब तो कोई और है भाई छुटका। मम्मा ने तो सबके नाम अलग अलग रख रखे, मम्मा ऐसे अजीब अजीब नाम ले सबके, किसी को जीत बुला रहे उसका नाम जीत है ही नहीं, ऐसे ही बसंत को बुलाते रजत, मगर नाम कब है मैंने रखा था ना, कहीं पेपर में ना कहीं निकनेम, किसी घर वालों को दूर दूर तक नहीं पता, मेरे अभी कुछ भी लेना है। अविराज को आइया बताएं, अविराज को, क्योंकि अभी की जो छोटी बहन थी नोनी, मेरे मामा की बेटी, वो उसे बचपन में भैया को अय्या बोल लेती, अच्छा। वो उसका नाम अय्या रख दिया, इतना बड़ा हो गया वो भी अय्या, अब भी अय्या ही है। एक दिन ना मैं मामा के यहाँ जाऊंगा, तो अभी अविराज की फर्स्ट बर्थडे की एक वीडियो है, जब उसका फर्स्ट बर्थडे था हम बहुत छोटे छोटे थे तब की वो वीडियो है, वो इस बार मैं प्ले करूंगा, मतलब वो मैं पेन ड्राइव में ले लूंगा और वो भी डाल लेंगे व्लॉग में, मैं तुम्हें अपना नूरानी चेहरा दिखाऊंगा बचपन से कैसा था। चले तो गाइस पंडित जी के पास जाके मुझे अपने ग्रह चेक कराने पड़ेंगे, मैं भी रोल गर्म कर रहा था, तो आइडियली रोल गर्म हो जाना चाहिए था, उसके बाद मैं उसे खा लूं थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक के साथ बिना गिराए, लेकिन क्या बताऊं कभी कभी जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता। कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक है यार, ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या गिर गया भाई? पता नहीं अभी गिरा कुछ, 5 मिनट पहले आया था तो कुछ नहीं था, जैसा लग रहा कि अभी खाना लेते हुए गिरा कुछ। नहीं, अच्छी अभी पानी पीना आया था जब तो कुछ नहीं था, कुछ भी पच नहीं हो रही थी। सुबह गिरा होगा जब लक्ष्य ने कुछ लिया होगा। तुम नहीं लिया सुबह, किसी ने कुछ नहीं लिया, राइट गिर गई
तो कल तो मैं थोड़ी बेहोशी की हालत में बोल रहा था, अब होश में बोल दूं। यार जो लोग भी आए थे पहले स्टैंड अप में, थैंक यू भाई आने के लिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। मतलब मैं सब लोगों से पूछा, सबने बहुत बढ़िया बताया। वो वाली बात नहीं है कि भाई होने के नाते बताओ, मैं पूरा जानना चाह रहा हूं। मतलब एंडिंग तो बहुत ही ज्यादा मस्त, एंडिंग में तो खैर मजा ही आ गया, मुझे करने में मजा आया, लोगों को सुनने में मजा आया। लेकिन मैं ओवरऑल पूरा जितना हमने क्राउड इंटरेक्शन किया, सब कुछ किया, वो बताना मुझे कैसा लगा। क्रिटिक्स भी आप बोल सकते, मतलब गाली भी बक सकते हो मुझे। और थैंक यू भाई जितने लोग आए, जिन्होंने फोटो खिंचाई, सब कुछ। अभी अगला जो टूर रहेगा वो पूरा अनाउंस कर देंगे एक बार। अभी 2-4-10 दिन मेन चैनल का काम पूरा कर लें, उसके बाद में एक छोटा सा सेट उसमें से रिलीज करूंगा अपने YouTube चैनल पे 10 मिनट का, और फिर हम उसमें टूर अनाउंस कर देंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर हम लोग आ रहे हैं और कब कब। इसके हाथ खुले नहीं रखते बिल्कुल भी रात में सोते हुए। गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी गोद माते उठ जाएगी, जबरदस्ती उठाना चाह रहे हो तो। अभी तो सोच में अभी तो पिछले जन्म की यादों में। इसके पिंपल क्यों है, कभी कहीं आ जा रहा कभी कहीं, छोटे बच्चे का है। उस दिन से ही है ना। तो देख भाई सिट्टी बजरी मेरी स्टैंड अप परफॉर्मेंस पे। एक आंख देख, एक आंख खोल लगी डाका की तरह। दिमाग में बस एक मूंगफली की फोटो बनी आ रहा है। ओहो, घंटी बज गई। कौन है यार, क्यों है? टिफिन आएगा डिनर के लिए? किसने मंगाया? छोड़ दो छोड़ दो, किसने मंगाया? ओके थैंक्स मैन। रचित तुझे भूख लग रही थी ना, तुझे भूख लग रही देख, पेट की भूख का इलाज तो आ गया। डिनर आ गया टिफिन ओ टी बना आ गया, लेकिन सीने की आग कौन बुझाएगा? टूटा हुआ उसकी भूख कौन मिटाएगा? क्या ना उसकी भूख मेरी भूख कौन मिटाएगा? उस है गांव। अरे सबकी भूख मिट जाएगी ना, बताओ इसकी भूख कौन मिटाएगा? अरे भाई रे बग्गे, तू फ्यूचर एक बड़ा अफसर है, तू ये बात तेरी क्लिप्स निकाल के सस्पेंड हो जाएगा तू आगे कभी ना कभी। फिर नहीं आने के लोग में बड़े आदमी हो चुके हैं, फिर आने के तो नहीं, लेकिन बड़े अफसर तो देखेंगे जो और भी तेरे। फिर हम तेरे से रूल्स पूछते रह करेंगे बैठ के, जैसे कोई नया कुछ आया नई धारा उसका मतलब समझाते रह करिए। अरे कहीं पुलिस में थोड़े लग रहे बट्टी, नहीं पता कहीं पुलिस आया क्या है वैसे। सब्जी क्या भैया? नहीं पता। तूने किससे मंगाया? वो निहाल ने नंबर दिया था। अच्छा वही पहले आ रहा था। बग्गा ट्यूटोरियल देख देख के रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा सुबह से। कर चुका अभी, बस एक पार्ट रह रहा सिर्फ। ये देख सिर्फ ये ठीक करने रह रहे, दोबारा कर रहा तो। रचित बिना ट्यूटोरियल देख के कर दे, देख चार दिन में ऐसा हो जाए, मैं 3 मिनट में सॉल्व करती है। कैसे लगेगा? तू तो ऐसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा है ऐसे। मैं यो-यो चला रहा, रे फिजिट स्पिनर घुमा रहा, 3 लड़के भी इतनी हो रहे हैं बचपने में। एक लाइन में इंप्रेस करें लड़कियों को, और सोसाइटी में 7 चले बिल्कुल पैर से पैर उड़ा के साइड में, ये 3 हरकतें करते हैं। मैं कह रहा सारी चिक्स फ्लैट है, जहाँ कुछ बोल ली मैं सोल करके दिखा दूंगा। उसके नाम का पहला लेटर बना दूंगा मैं एकदम यू करके, टी बना दूंगा, ए बना दिया, बी बना दिया। मैं एक बहुत काम की बात बता दूं जो मैं बहुत कम बताऊं, वो ये है कि कल मेरी वीडियो आने वाली, और अब तक वीडियो का काम क्या ना ढंग से शुरू भी नहीं हुआ। जोरों शोरों पे है, लेकिन सुबह से लग तो रहा था जोरों शोरों पे। यार काम बहुत कम हुआ उस हिसाब से, मुझे वो अच्छा नहीं लगता जब आदमी एफिशिएंट नहीं होता ना अपनी एनर्जी के साथ, वो बहुत गलत लगे। फिर पता सबसे बुरा क्या लगे, मतलब ये चीज पहले तेरे साथ हो गई थी जब तू नया नया यूट्यूब पे आया था, सीख दड़ सा था, जब तू एक एक महीने में एक वीडियो डाल लग रहा था, काम में भी लगा रहता, वीडियो भी करा करो जाता, हो भी कुछ नहीं था। ये तब हो गया भाई जब आप मन में सोचते जाओ कि यहाँ भी कर लूँ वहाँ भी कर लूँ, होता कुछ नहीं, कई जगह मुंह मारने का सोचो जब। यस, यहाँ भी मुंह मार रहे हैं वहाँ भी मुंह मार रहे, पेट भर नहीं रहा। बहुत बुरी बात कही, फोकस होना पड़ा है एक जगह, जैसे अब मैं इस टाइम लेट नहीं के फोकस में। यार ऐसा फोकस मैं भी जाऊँ करना बहुत, मैं बस पूरा दिन आराम करना गप्पी। वो देख पैरों में गिर रखी विद्या के, नहीं पैरों में नहीं यार बड़े भाई कोने में रख रखी है, लेकिन ये है वो बंद, इसमें नाड़ा सा लगा दिया, जब नाड़ा खुला है तभी होगी चल लो अब बस, लेकिन साइड में रख रखी, जब दिमाग सा बनेगा एकदम लिखना चालू कर दे। यार कैसे दिन है यार, ये अजीब लग रहा है। होली के बाद के दिन बड़े सुने सुने से हुए हैं। होली तो होली भाई, वो मेरी कब होगी लेकिन। और तुम इन एसी में अपने अभी 50,000 रुपए लगाओगे, एक पैसा नहीं दूंगा इन एसी को ठीक कराने का। एसी नहीं, पंखे चलाओ भाई, नहीं तो बीज ले आओ। वही यार मौसम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से हमें फ्लैट नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि पता नहीं क्या ही होगा। और पता है इनके फ्लैट में उन्होंने कितने फिल्टर्स लगा रखे,
अच्छी सोसाइटी, अच्छा फ्लैट, अच्छा रेट, अच्छा स्पेस, अच्छे लोग, फैमिलीज ना हो, पार्क्स अच्छे हो, खुला स्पेस हो, प्राइम लोकेशन हो, रोड पे हो, मेट्रो स्टेशन भी पास हो, और अगर वो सब हो तो उसका रिवर्स लगा देंगे। वो सब मिल गया? अच्छा, पूरा विला हो, मतलब एक फ्लैट में प्राइवेसी नहीं होती। एक फ्लैट अच्छा मिल गया ऐसा प्राइवेसी वाला, तो फिर दो फ्लोर हो, दो फ्लोर मिल गए तो एक ही फ्लैट में दो फ्लोर हो। तो मैंने ढूंढना बंद कर दिया। मैंने कहा कि मैं ये जो तुमने अपनी इमेजिनेशन का एक फ्लैट पेंट हाउस बना रखा ना अपने दिमाग में, ये तुम्हें खुद ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये तुम्हें मिलने का नहीं पूरे नोएडा में भी। मैं पूरे नोएडा के सारे फ्लैट देख चुका, मतलब सेक्टर उधर के छोड़ दो, गाजियाबाद से जो एरिया लगा हुआ नोएडा का 70 सेक्टर से, सब बता देना भाई। जितना भी पूरा नोएडा है पूरा छान मारा मैंने, इनके मतलब का कोई फ्लैट नहीं है भाई। इन्हें तो अब कोई अपने घेर में ही जगह दे सके गाँव के। अप्सरा की रबड़ से अपने गम मिटा दूं क्या सारे? अभी स्टूडियो में आया था काम करने, लेकिन यहाँ तो भयंकर गर्मी होने लगी भाई, यहाँ नहीं बैठा जा रहा। सॉल्व कर दिया? नाइस, खुश रहे अपने आप में। लगा भाई खाना? लगा। वो उठा लिया गिलास, उठा लिया पानी के, बस गिलास गिलास। I think, ओ इस टेबल का क्या बना पड़ा भाई, इस टेबल का वो क्यों बना दिया तुमने कॉर्पोरेट टावर? हाँ ये तो दिखा दो। मैं क्या? हाँ क्या क्या आया आज खाने में? सब्जियाँ, चावल, सब्जियाँ तो बोलो तो है क्या? आलू शिमला मिर्च लग रही है तो, और ये मुझे लगे दाल होगी शायद, पलटी ही रही। चल दाल तो लोगों ने खाई होगी या नहीं, मैं देख लूंगा दाल ही है कुछ और है। अबे ये तो वो है बीन्स, बीन्स। अच्छा बीन्स है तो चलो गुड। मैं ये कह रहा है यार, जैसे हम बस ही खाना खा रहे हैं, पूरी रात जग गए हैं, कोई रूटीन नहीं है, कुछ नहीं है, कितने प्लॉट खरीद दिए हमने, कितनी लैंड खरीद के घेर दिया। घर वाले अगर कल तक, कल को पूछेंगे क्या क्या किया भाई, चौपड़ ले। या तो नोएडा में 5-7 फ्लैट खरीद देने थे अभी तक। बड़े भाई इज्जत का, कहाँ इज्जत का, इज्जत भी तो नहीं कर पा रहा कोई। कल नहीं देखी इज्जत बग्गे ने, ऐसी बात कही यार कल। कल फैमिली से बड़ा प्यार मिला के समझे, ऐसे ही जितने लोग मिले मुझे दो दो हजार के नोट पकड़ा के सब। तो मजा आ जा प्यार के साथ। प्यार का क्या ही करूं, 200 × 2000 दूना मैच 4 लाख रुपए कल ही सिद्ध हो गए थे भाई। तुम्हें तमीज नहीं क्या? एक आदमी घर का अभी आया भी नहीं, तुमने खाना खाना शुरू कर दिया। पूछ पाछ तो लेकर। अरे यार चावल बच तो रहे अभी, चोचोड़ बचे तो मुझे एक एक दाना करके डाल लू मैं। एक पहले वो भी धोग रहे थी, वो बनाया कर रहे थे तितक ताना, तितक ताने ऊपर ताना, तितक ताना। अजय भैया थाली भाई देख, इससे तो अजय भैया बेटर है। एक स्केल है तेरे भाई, फीटी दे दी तुझे, फीटी बना आप दे। 3.14% बेटर अजय भैया है, थोड़ा तो बेटर है भाई, क्योंकि सामान तो पता अपना ही डाल रहा। यहाँ तो जावे भी, जावे भी, जावे भी, जावे भी, जावे भी, जावे भी, अभी कहना इतने भरोसे में ही तो रहेगा बड़े भाई, इतने भरोसे में ही तो मर गया आदमी। हम तो जिंदा भर, वैसे जिंदा रह गया भी क्या करना, महीने में 4 बार बाल कट रहे ऐसे जिंदा रहेगा भी कोई फायदा नू, एक आदमी जिंदा ना ही का बेटर। अब तो हम 5 दिन कुत्तों की तरह वीडियो बना, 2 दिन जीने के लिए कोई जिंदगी क्या? कपड़े इस पर 20 जोड़ी पर उस चैनल पे 3 शर्ट जब पाड़ के पहन रहे, कमर पे से पटने को रहे 3 कपड़े बोल, चैनल पे तो ऐसा कौवा सा खड़ा हो जाए। बाल कटवा के भाई पूरा टाइम अच्छे से, या तो टी शर्ट इसकी यहाँ तक रहेगी या अच्छे से स्लीव फोल्ड करे, उस चैनल पे गया तो शर्ट को यूं यूं ऊपर के खड़ा हो जाए, या फिर टी शर्ट पहना यहाँ तक वो ब्लाउज अभी पूरे दिन तो बाल ही हो रहे हैं, पूरे दिन तो यूं खड़े रखे हैं, उसके में ऐसा भागे जाओ सारे बाल लोग उसमें ऐसा खड़ा हो जाए एकदम बिल्कुल फिट, कोई आदमी तारीफ ना मार दे के बाद कहूंगा भाई वो बहुत तगड़ा है ना, जो कंटेंट आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू है। बताओ ना ये कब जा रहा है अगली बार। 3 बाल भी इधर को बढ़ जाओ, सीधा फिगर चढ़ जाएंगे, फिर भागे फोन में अपॉइंटमेंट ले ले, घबरा हुआ वहां भी मैंने जहाँ कटवाए थे वो इंडिया का लास्ट सेल होता, उसके बाद इंडियन लैंड खत्म थी, मतलब इंडिया का लास्ट होटल है, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाता। अच्छा क्या दिखा होगा कि ये तरह के बाल उन्होंने वहाँ कटवाए थे, कैसे बताओ इस बात को? मुझे एक बात तो बता, तेरे सामने भी तो एक ऐसा कॉमेडियन खड़ा जो इंडिया का आखिरी फनी पंच मारेगा। तेरा आखिरी या फनी वो तो हो सके।
बालियान से पढ़ाई की बात तो लो बाकी वर्तमान तो पद्दी मारे वे पिछला साल खत्म हो गया वो बोल क्यों रख रखी वो 2022 की दिखे तो अच्छा ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही शायद 2022 की हो अच्छा तो हवा निकाल दूं क्या इसमें उसमें की मार दे बहुत बड़ी कुछ तो है तेरे में ये कहां लगे यही था रिपोर्ट कहीं तो लगेगा मगा पोर्ट कहां है वो कौन सा अरे बता दे ट्यूटोरियल अच्छा ये हो गया यो ये तो वहां लगा नीचे अच्छा क्या होगा एक भी दिन मैं ना हूँ तो ये समझ अगर मेरा फोन ना मिला और मैं हूँ भी ना फिर बस तम तो तम तो बड़े भाई हर आदमी का एक रिप्लेसमेंट है ये बात हमेशा ध्यान दे ऐसा कुछ नहीं है मेरा नहीं है मुझे ही नहीं मिल पा रहा मेरा रिप्लेसमेंट तुम्हें तो क्या मिलेगा वाओ इट्स फुल मैं यूं कह रहा इट्स फुल मैंने लगा दिए थे चार्ज पे वहां साथ थी बस फिर तो बहुत सोना लड़का तू यार आओ बालियान आज आप हमारा वो है क्या ना सौभाग्य सौभाग्य प्राप्त यूपीएससी एस्पायरेंट को वीडियो में लेने यूपीएससी एस्पायरेंट आ चुके हैं अरे मैं वो पहने हूँ रुको हरी वाली टी शर्ट पहनी हूँ हरी वाली तो पहन रहा इस पे कर लू ग्रीन स्क्रीन पे ग्रीन पे ग्रीन नहीं चलता ना इतना मतलब तुझे पता मुझे शेड इतना चेंज होने में भी दिक्कत है मुझे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते ही छींक आवे बहुत तेज अच्छा तो अरे वो तो बताना भूल ही गया मैं आज व्यूज के लिए बच्चों का फेस भी रिवील कर दिया मैंने तो फिर हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं इस ब्लॉग में अब तो नहीं इसमें क्या अब तो किसी ब्लॉग में नहीं करने की जरूरत एक बार जाना वहाँ 20 मिनट ड्राइव करके पुलिस की वर्दी कहाँ से लाया